थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में बताइए आप दैट व्हेन डिड यू जॉइन व्हेन यू जॉइन पॉलिटिक्स आपका गोल क्या था और आप उसको कितना आप अचीव कर पाए हैं देखिए सच बात तो यह है कि मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था और पॉलिटिक्स में आने का कोई मन नहीं था मैं तो आई वॉन्टेड टू बिकम अ लॉयर मैं लॉ कॉलेज में पढ़ भी रहा था उस समय और आंदोलन भी उस समय चल रहे थे मतलब मैं अठारह साल का था तब विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में कश्मीर में हम लोग तिरंगा झंडा लगाने के लिए गए थे राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैं था अठारह दिन मैं जेल में भी था बीस साल की उम्र में मैं जेल में था राम जन्मभूमि के आंदोलन में सारी कार सेवाओं में मैं गया जितने आंदोलन हुए उन आंदोलनों में गया लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार नहीं था सो वेल आई वॉज इन फाइनल ईयर मुझे उससे थोड़ा पहले मुझे एक दिन हमारे विद्यार्थी परिषद में जो हमारे नेता हुआ करते थे उन्होंने कहा जी फैसला हुआ है कि आपको कल से बीजेपी में काम करना है तो मैंने कहा था मैंने मुझे पॉलिटिक्स में जाना नहीं है आई डोंट वांट टू गो टू पॉलिटिक्स लेकिन उन्होंने कहा भाई अपन जिस विचारधारा में काम करते हैं उसमें अपने वरिष्ठ अपना विचार करते हैं वो जहाँ जो काम देते हैं वो काम अपन लोग करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा तो मैं आ गया बीजेपी में तो मैं जब बाईस साल की उम्र में मुझे मैन आई वॉज इन लॉ फाइनल तो मुझे इलेक्शन लड़ने को कहा गया देखिए पहले तो जब इलेक्शन लड़ने को कहा उस समय मेरी उम्र पूरी नहीं थी आई वॉज नॉट ट्वेंटी वन मेरा कम्प्लीट नहीं था और ट्वेंटी वन कम्प्लीट लगता था लेकिन फॉर्चुनेटली इलेक्शन आगे बढ़ा वो नाइन्टी फोर्थ अमेंडमेंट वगैरह आई तो इलेक्शन आगे बढ़ा तो मैं एलिजिबल हो गया मुझे लड़ने को कहा तो मैं लड़ लिया मैं चुनकर आया फिर पाँच साल मैंने अपोजिशन में था बहुत अच्छा काम किया वापस चुनकर आया तो उस समय मैं सीनियर हो गया था तो मेयर बन गया तो फिर मेयर के रूप में अच्छा काम किया दो बार मेयर बना तो पार्टी को लगा कि मैं एम बन सकता हूँ तो मुझे एम का टिकट दिया तो पाँच बार एम बना फिर बाकी एवरीथिंग इज़ अ हिस्ट्री पार्टी में अलग अलग पदों पे काम किया मैंने आ, मैं युवा मोर्चा में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहा फिर महाराष्ट्र में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा फिर महाराष्ट्र बीजेपी का प्रेसिडेंट मुझे बनाया और उसके बाद पार्टी को लगा तो मुझे चीफ मिनिस्टर हाउ इम्पोर्टेंट इज फैमिली क्योंकि आपकी पत्नी जो है वो कॉर्परेट सेक्टर में थी और शीज शीज़ अ होम मेकर ऑल्सो तो आप मुझे बताइए कि एज अ पॉलिटिशियन क्या इज देयर एनी टाइम फॉर फैमिली लाइफ एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ देखिए आप अगर मुझे पूछे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंसड लाइफ लेकिन आप दूसरा सवाल अगर मुझे पूछेगी कि क्या मेरा लाइफ बैलेंस्ड है तो मैं कहूँगा नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स में जितना समय घर को देना चाहिए मैं नहीं देता हूँ मेरी वाइफ को भी नहीं देता हूँ मेरी बेटी को भी नहीं देता हूँ ये मेरा नसीब है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करते थोड़ा गुस्सा दिखाते लेकिन मुझे लेट गो करते तो ठीक से मेरा चल रहा है ये टफ जॉब है एक्चुअली नो और बीजेपी में और ज़्यादा टफ है और मोदी जी के साथ काम करना है तो बहुत टफ है क्योंकि जब नेता 24 घंटे काम करेगा नेता छुट्टी नहीं लेगा तो हमको भी छुट्टी लेते समय गिल्ट फील होता है इसलिए हम भी नहीं ले सकते तो इट्स अ टफ जॉब